डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम पे कैसे पहुंच सकते हैं, या अगर हम डोमेस्टिक इनकम पर हैं तो हम नेशनल इनकम पर कैसे आ सकते हैं। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को आज के। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे, देखिए हम बात किसकी कर रहे हैं, पहले नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हम किसकी बात कर रहे हैं, नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं। तो देखिए नेशनल इनकम की अगर हम बात करते हैं तो हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो हम किस तरह से कहते हैं, हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। अच्छा, इतना हमें जानकारी पहले ही है कि नेशनल इनकम के अंदर हम सिर्फ रेजिडेंट्स की इनकम इंक्लूड करते हैं, रेजिडेंट्स की इनकम इंक्लूड करते हैं। तो ध्यान से आप देखिएगा, देखिए अगर हम कह रहे हैं नेशनल इनकम हमें कैलकुलेट करना है तो पहली बात हम क्या कह सकते हैं कि इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट्स विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी। यानी हमें क्या देखना होगा कि वो कौन सी इनकम है जो हमारे रेजिडेंट अपनी ही टेरिटरी में जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि नेशनल इनकम के अंदर तो रेजिडेंट्स की इनकम आती है। तो पहला पार्ट क्या हो गया फ्रेंड्स, पहला पार्ट हो जाता है इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट्स विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी। ओके, और इस पार्ट को अगर हम सी से डिनोट कर दें, ये पार्ट क्या हो गया हमारा, सी हो गया। ओके, अगर हम बी पार्ट देखें तो क्या करें, इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट्स आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी। और यानी यहां भी क्या आ रहा है, इनकम रेजिडेंट्स की आ रही है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी। लेफ्ट हैंड साइड यानी जिसको हमने सी माना है उसमें क्या है, रेजिडेंट्स की इनकम विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी, यानी वो इनकम आएगी इसके अंदर जो हमारे रेजिडेंट्स हमारी ही इकोनॉमिक टेरिटरी में अर्न कर रहे हैं। अगर हम राइट साइड की बात करें और अगर मैं इसको डी नाम से डिनोट कर दूं, यानी मैं डी कंपोनेंट की बात कर रहा हूं, तो डी में देखिए इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट्स आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी। यानी इतना तो क्लियर है कि जब हम लोग फ्रेंड्स किसकी बात कर रहे हैं, नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, उस टाइम पे इनकम सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट्स की इंक्लूड होगी। अब जो हमारे रेजिडेंट्स हैं वो इनकम दो तरह से अर्न कर सकते हैं, एक कैसे, विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी, यानी हमारे रेजिडेंट्स अपनी ही इकोनॉमिक टेरिटरी में वर्क करके इनकम जो अर्न करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट्स विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी। और जो हमारे ही रेजिडेंट्स अर्न तो हमारे ही रेजिडेंट्स कर रहे हैं, लेकिन वो अर्निंग आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी है, तो हम कह सकते हैं कि नेशनल इनकम हमें कैलकुलेट करनी है अगर, तो हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं कि सी प्लस डी इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम। अगर हम सी कंपोनेंट और डी कंपोनेंट को ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास नेशनल इनकम आ जाती है। ओके, तो इतनी बात तो क्लियर है कि नेशनल इनकम के लिए हमारी टेरिटरी का होना कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी क्या है, कंपलसरी है कि रेजिडेंट हमारा ही होना चाहिए, वो रेजिडेंट अपनी इकोनॉमिक टेरिटरी में इनकम अर्न करके भी अर्न कर सकता है और अपनी इकोनॉमिक टेरिटरी के आउटसाइड जाकर भी इनकम अर्न कर सकता है। ओके,
ध्यान से देखेंगे अभी आगे हम लोग चलने वाले हैं। अब देखिएगा हम लोग बात कर रहे हैं किसकी फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे हैं डोमेस्टिक इनकम की। तो जिस तरह से हमने नेशनल इनकम को समझा था उसी तरह से अब हमें किसे समझना है, हमें अब समझना है किसको, डोमेस्टिक इनकम को। किसको समझना है, डोमेस्टिक इनकम को। तो देखिए डोमेस्टिक इनकम की जहां तक बात करें तो फ्रेंड्स डोमेस्टिक इनकम के लिए जरूरी क्या है, जो इकोनॉमिक टेरिटरी है, जो इकोनॉमिक टेरिटरी है फ्रेंड्स वो हमारी ही होनी चाहिए। यानी डेफिनेशन में जो आप देंगे या उसके कंपोनेंट्स देख रहे होंगे उसमें क्या आएगा, जो इनकम का जनरेशन है वो विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी होना चाहिए, विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी होना चाहिए। इसमें रेजिडेंट इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो देखिए अगर मैं डोमेस्टिक इनकम की बात करता हूं तो मैं किस तरह से टू कंपोनेंट्स की बात करूंगा। अगर हम फर्स्ट कंपोनेंट की बात करें तो वो क्या आता है, ध्यान से देखिएगा, इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट्स विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी। यानी ये कौन सी इनकम हो गई, वो इनकम है जो हमारे ही रेजिडेंट, जो हमारे ही रेजिडेंट अपनी ही इकोनॉमिक टेरिटरी मान कर रहे हैं। इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट्स विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी, ओके। अब देखिएगा आप इस साइड पर आइए, क्या करें, क्या करें फ्रेंड्स, इनकम जनरेटेड बाय नॉन रेजिडेंट्स। देखिए वर्ड क्या आया, नॉन रेजिडेंट। अब ये हमारे रेजिडेंट नहीं है लेकिन ये इनकम का अर्निंग कहां कर रहे हैं, विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी। यानी ये जो नॉन रेजिडेंट्स हैं फ्रेंड्स, ये जो नॉन रेजिडेंट्स हैं ये इनकम का अर्निंग क्या कर रहे हैं डियर, इनकम का अर्निंग हमारी टेरिटरी में कर रहे हैं, विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी। लेकिन है कौन से, ये नॉन रेजिडेंट हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, अगर हम डोमेस्टिक इनकम की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स तो इकोनॉमिक टेरिटरी हमारी ही होनी चाहिए। दोनों ही पार्ट्स में आप देख रहे हैं, विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी, विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी। अगर हम ध्यान से देखें आप, अगर मैं इस पार्ट को ए का नाम दे दूं, इस पार्ट को बी नाम दे दूं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ए प्लस बी इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम। मैं ऐसे भी कह सकता हूं ए प्लस बी इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम। तो बिल्कुल आराम से एक एक चीज को हमें समझना है, ओके। एक बात और देखिएगा फ्रेंड्स, एक बात और देखिएगा, हमें एक बात और यहां पे समझनी है, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर जो हमें समझना है उसे आप ध्यान से देखेंगे, उसे आप ध्यान से देखेंगे। देखिए अगर मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इनकम जो हमारा डी, जो हमारा राइट हैंड साइड वाला पार्ट है उसको आप देखेंगे ध्यान से, इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट्स आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी। इसी को हम क्या कह रहे हैं, इसी को हम फीफा नाम भी दे रहे हैं। हम क्या नाम दे रहे हैं, फीफा नाम भी इसको हम दे रहे हैं। और हम इसको फीफा क्यों करें, देखिए फीफा की फुल फॉर्म क्या है, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो ध्यान से अगर हम इसको समझें तो हमें समझ में आएगा। देखिए क्या करें, इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट्स आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी, यानी ये कौन सी इनकम है जो हमारे ही रेजिडेंट अर्न कर रहे हैं, अर्न तो हमारे ही रेजिडेंट कर रहे हैं लेकिन जो अर्निंग है फ्रेंड्स वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में नहीं है बल्कि आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे ही रेजिडेंट्स एब्रॉड से अर्निंग कर रहे हैं, एब्रॉड से अर्निंग कर रहे हैं। तो देखिए अगर हमारे रेजिडेंट एब्रॉड से अर्निंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अर्निंग्स करके अपनी ही कंट्री में ले आएंगे, अपने ही देश में ले आएंगे। अगर एक इंडियन पर्सन अमेरिका में जॉब करता है तो अमेरिका में जॉब करने के बाद में वो जो अर्निंग करेगा माय डियर फ्रेंड्स वो इंडिया में लेके आएगा,
यानी वो जो अर्निंग्स हैं वो अब्रॉड से इंडिया आ चुकी हैं, तो हम क्या ऐसा कह सकते हैं कि जो अर्निंग्स हुई ये क्या हुई? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो आप इस चीज को बड़े ध्यान से समझना है कि ये जो राइट हैंड वाला पार्ट है हमने टिक किया है, ये क्या है? ये है फ्रेंड्स क्या, इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट्स आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी। और इसी को फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं? इसी को फ्रेंड्स हम बोलते हैं फीफा। इसी को फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं? फीफा। बिल्कुल आपके मन में क्लियर होना चाहिए कि इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट्स आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी को ही हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? फीफा। क्योंकि एक तरह से ये वो इनकम है जो अब्रॉड से अर्न करके इंडिया लाई गई है। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ओके, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात करें डियर इस पार्ट की, तो ये क्या हो गया? इनकम जनरेटेड बाय नॉन रेजिडेंट्स विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी। तो यहां ध्यान से देखिए, ये कौन सी इनकम हुई? इनकम जनरेटेड बाय नॉन रेजिडेंट्स विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी, यानी वो इनकम है जो हमारे रेजिडेंट अर्न नहीं कर रहे हैं, अब्रॉड के रेजिडेंट्स अर्न कर रहे हैं, चूंकि हम नॉन रेजिडेंट्स की बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, लेकिन ये अर्न कहाँ कर रहे हैं? हमारे ही टेरिटरी में कर रहे हैं। तो देखिए, अगर ये हमारी टेरिटरी में इनकम अर्न कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये इस इनकम को अपनी कंट्री लेके जाएंगे। यानी ये जो अर्निंग्स हैं, ये जो इनकम का जनरेशन है, ये जो इनकम है, ये कहाँ जाएगा? अब्रॉड चला जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं? हम इसी इनकम को, यानी क्या, इनकम जनरेटेड बाय नॉन रेजिडेंट्स विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी को ही हम क्या बोल सकते हैं फ्रेंड्स? हम बोल सकते हैं फीटा। क्या बोल सकते हैं? फीटा। क्योंकि ये वो अर्निंग्स हैं जो नॉन रेजिडेंट्स अर्न करके कहाँ ले जाएंगे? अपनी कंट्री ले जाएंगे, अब्रॉड ले जाएंगे। तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि इनकम जनरेटेड बाय नॉन रेजिडेंट्स विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी को ही हम क्या नाम दे सकते हैं? हम फीटा नाम दे सकते हैं। तो बिल्कुल आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए। ओके, यहां तक की बात सभी को समझ में आ रही होगी। अब जरा आगे ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको कितना समझा चुका हूं अभी तक, ध्यान देंगे। मैंने आपको बताया है कि अगर मैं फ्रेंड्स इसको ए नाम दे रहा हूं और इसको बी दे रहा हूं, तो ए प्लस बी क्या बन जाता है? डोमेस्टिक इनकम। ये आप ध्यान रखेंगे। और मैंने बी पार्ट को फीटा बोल दिया है। मैं बी पार्ट को डियर क्या बोल रहा हूं? ये जो बी पार्ट हमारा आ रहा है, हम इसको क्या बोल रहे हैं? फीटा बोल रहे हैं। ए प्लस बी डोमेस्टिक इनकम है और बी पार्ट को मैं क्या बोल रहा हूं? फीटा बोल रहा हूं। ओके, उसी तरह से देखेंगे क्या नेशनल इनकम की जब लोग बात करते हैं तो हम क्या कह रहे हैं? ये सी है प्लस ये डी है, तो सी प्लस डी क्या हो जाता है? नेशनल इनकम हो जाता है। सी प्लस डी क्या हो जाता है? नेशनल इनकम। और फ्रेंड्स, डी को मैं फीफा बोल रहा हूं। यानी इस वाले पार्ट को, इस डी वाले पार्ट को मैं क्या बोल रहा हूं? फीफा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, अब देखिए, एक तरह से हम कह सकते हैं फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं कि इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट्स विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं? ए बोल रहे हैं। फिर क्या आया? इनकम जनरेटेड बाय नॉन रेजिडेंट्स विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? फीटा बोल रहे हैं। तो मैं क्या कह सकता हूं कि ए प्लस बी इज इक्वल्स टू किसके कॉल होगा? ए प्लस बी इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम के कॉल होगा।
तो हमने यहां पे किस तरह से बोला है, हमने कहा कि ए प्लस बी इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम, ठीक है जी। अब देखिए, अगर ए प्लस बी डोमेस्टिक इनकम के इक्वल है, फ्रेंड्स क्या करूं मैं, ए प्लस बी डोमेस्टिक इनकम के इक्वल है, तो अगर इस बी को मैं उठा करके इधर ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू डोमेस्टिक माइनस बी, डोमेस्टिक माइनस बी। और बी क्या है फ्रेंड्स, अगर मैं बी की बात कर रहा हूं, अगर मैं बी की बात कर रहा हूं तो देखिए बी क्या है, फीटा है, तो क्या बी के प्लेस पे मैं फीटा भी लिख सकता हूं, तो आप लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ए है वो डोमेस्टिक माइनस फीटा हो गया, डोमेस्टिक माइनस फीटा हो गया। ओके, आगे देखते हैं, तो ध्यान देंगे आप, ध्यान से देखना है। देखिए जो हमारा ए पार्ट था वो क्या था, इनकम जनरेटेड रेजिडेंट विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी। तो ए पार्ट की जगह यानी ए के प्लेस पर मैंने क्या लिख दिया है, इनकम जनरेटेड रेजिडेंट विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी, डोमेस्टिक इनकम आया। और बी पार्ट के प्लेस मैंने क्या लिख दिया, मैंने फीटा लिख दिया, यानी क्या हो गया, इनकम जनरेटेड रेजिडेंट विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम माइनस फीटा। ओके, अब देखिए जो हमारे पास में इक्वेशन आ रही है फ्रेंड्स, हमारे पास में इक्वेशन जो आ रही है ये वाली, क्या मैं इस इक्वेशन में दोनों साइड बोथ साइड्स फीफा ऐड कर सकता हूं, माय डियर फ्रेंड्स, मैं क्या इस इक्वेशन के अंदर बोथ साइड्स फीफा ऐड कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो मैंने इस इक्वेशन के अंदर बोथ साइड्स फीफा ऐड कर दिया, यानी क्या बन गया, इनकम जनरेटेड रेजिडेंट विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी प्लस फीफा इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम माइनस फीटा प्लस फीफा, क्योंकि फीफा मुझे दोनों ही साइड ऐड करना है। अब जरा ध्यान से देखिए, इनकम जनरेटेड रेजिडेंट विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी प्लस फीफा, इन दोनों पार्ट को अगर हम ऐड कर दें फ्रेंड्स, इन दोनों पार्ट को हम ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, नेशनल इनकम, क्या आ जाता है, नेशनल इनकम। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला पार्ट क्या है हमारा, सी हुआ, जो फीफा है वो क्या हो गया, डी हो गया, और सी प्लस डी क्या होता है, नेशनल इनकम, सी प्लस डी क्या होता है, नेशनल इनकम, यानी कि ये वाला पार्ट क्या हो गया, सी हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया, डी हो गया, और सी प्लस डी क्या होता है, नेशनल इनकम। तो हमने इन दोनों प्लेस पे क्या लिख दिया, नेशनल इनकम। ओके, अगर आप देखिए यहां देखिएगा, डोमेस्टिक इनकम माइनस फीफा प्लस डोमेस्टिक इनकम माइनस फीटा प्लस फीफा, तो देखिए अगर हम मैथ्स का यूज करें, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करें, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, इस फीफा को उठा के इधर ले आए और फीटा को इधर उठा के इधर ले आए, तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन देखिएगा, यहाँ पे डोमेस्टिक इनकम माइनस फीटा प्लस फीफा के प्लेस पे क्या आ जाएगा, डोमेस्टिक इनकम प्लस ब्रैकेट में फीफा माइनस फीटा। ओके, फीफा माइनस फीटा, फीफा माइनस फीटा, हमने NFIA का वीडियो बनाया था और उसमें अच्छी तरह से आपको क्लियर किया था कि फीफा माइनस फीटा क्या होता है फ्रेंड्स, NFIA। तो नेक्स्ट इक्वेशन हमारी पूरी पूरी क्या बन जाएगी, नेशनल इनकम इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA, नेशनल इनकम इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA, यानी कि अगर हम डोमेस्टिक इनकम पे आ चुके हैं तो उसमें NFIA ऐड करेंगे तो हम कहाँ आ जाएंगे, हम नेशनल इनकम पर आ जाएंगे। यानी कि अगर हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है फ्रेंड्स, तो डोमेस्टिक इनकम में हम NFIA प्लस करके ऐसा कर सकते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं इस NFIA को उठा के इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा, यानी नेशनल इनकम में से अगर मैं NFIA को माइनस कर देता हूं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, डोमेस्टिक इनकम। तो आज की वीडियो में हमने ये जानने की कोशिश की है कि अगर हम डोमेस्टिक इनकम पे हैं तो नेशनल इनकम पे कैसे आ सकते हैं, और नेशनल इनकम पे हैं तो डोमेस्टिक इनकम पे कैसे आ सकते हैं। हाँ, एक फॉर्मूला NFIA को निकालने का भी समझ में आता है कि अगर मैं नेशनल इनकम में से डोमेस्टिक इनकम माइनस कर देता हूं तो फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, NFIA आ जाएगा। तो देखिए
आज की वीडियो के अंदर हमने अच्छी तरह से इसे समझने की कोशिश की है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे स्टूडियस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बहुत जल्दी ही हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे आपके लिए। वीडियोस का आनंद लेते रहिए और अपने घर पे सुरक्षित रहिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।